नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल शर्मा बस्टल टेक में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी सात बेहतरीन ऐप्स के बारे में जो आपके कैमरा की फोटो को एक एवरेज सिचुएशन से, एक एवरेज क्लियरिटी से एक एडवांस क्लियरिटी तक ले जा सकती है। सभी बात बात करेंगे उन्हीं सभी सेवन ऐप्स के बारे में, कौन सी ऐप किससे है कैसे बेहतरीन और आपके कैमरा से है कैसे बेहतरीन, ये सब जानेंगे इस पूरे वीडियो में। तो देखते रहिए पूरे वीडियो को, हमारे साथ बने रहिए इस पूरे वीडियो के एंड तक। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आने आ रहा हूँ रोजाना एक ऐसा नया वीडियो जिसमें आपको एक इंटरेस्टिंग जानकारी मिलने वाली है। इस तरह का चैनल आपको हमारा नजर आएगा जिसमें आपके पास इस तरह का राइट बटन नजर आएगा जिसमें सब्सक्राइब लिखा होगा। आपको जस्ट इसे क्लिक करना है, क्लिक करते ही आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहाँ पर बेल का बटन भी नजर आएगा, आप चाहें तो बेल का बटन भी प्रेस कर सकते हैं। इससे आपको एक नोटिफिकेशन ईमेल प्राप्त होगा हमारी तरफ से जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करेंगे। अगर दोस्तों आप YouTube अपने फोन में चला रहे हैं तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। आप देख रहे होंगे नीचे हमारे बस टुडे टैग के सामने सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, आप इसे प्रेस करके, इस पर टैप करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं उन सेवन ऐप्स के बारे में जो बेस्ट हैं आपके फोन के लिए, जो आपके फोन के कैमरा को एक एवरेज लेवल से एक एडवांस लेवल तक ले जा सकती है। आइए शुरू करते हैं इस श्रृंखला में। सबसे पहले नंबर पर जो ऐप है उसका नाम है आफ्टर फोकस। आफ्टर फोकस को जैसे आप ओपन करेंगे आप डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग 10 मिलियन इसके यूजर्स हैं इस वक्त और 4.2 रेटिंग के साथ ये ऐप यूज की जा रही है। काफ़ी अच्छी ऐप मानी जाती है फोकस के हिसाब से। आप इस पर फोकस सेट करके आप जस्ट अगर आप फ्लैश ऑन करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं, आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा ये आपको और कुछ फैसिलिटी नहीं देता जूम करने की, जूम एंड जूम आउट की कोई फैसिलिटी नहीं है इस ऐप में अभी तक। ये इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, लेकिन आप फोकस करके इस फोन से काफ़ी अच्छी फोटोज क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आफ्टर फोकस दोस्तों, आप इसको यूज़ करें और यूज़ कर रहे हैं तो आप आगे आने वाली ऐप जरूर देखें। तो ये जानते हैं दोस्तों अगली ऐप के बारे में। अगली ऐप के बारे में बात करें तो उसका नाम है रेट्रिका। रेट्रिका दोस्तों काफ़ी अच्छी ऐप मानी जाती है, बहुत ही ज़्यादा लेवल पर इस ऐप को यूज़ किया जा रहा है। लगभग 100 मिलियन लोग इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं और 4.3 रेटिंग्स के साथ आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। इस ऐप का जो सबसे खास बात यह है, इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स आपको यूज़ करने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, कोलाज भी हैंड टू हैंड आप बना सकते हैं। सपोज़ आप फोटो क्लिक कर रहे हैं तो फोटो में भी एक स्किन अपडेट के अकॉर्डिंग इसमें काफ़ी अच्छे फीचर आ गए हैं। सपोज़ आप शॉर्ट में फोटो लेना चाहते हैं 3:4 में, तो आप ऐसे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऊपर देख रहे होंगे टैप आ रहा है 3:4, ठीक है। 1:1 में आप लेना चाहते हैं तो 1:1 में आप फोटो ले सकते हैं, ठीक है। फुल आप फुल स्क्रीन फोटो लेना चाहते हैं तो फुल स्क्रीन ले सकते हैं। इसके बाद आपके पास टॉर्च ऑन ऑफ ये इफेक्ट मिलता है, टाइमर यहाँ से आपको मिल ही जाता है इसमें, ठीक है। ये फ्रंट और बैक कैमरे का आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद आपके पास इसमें काफ़ी सारे फिल्टर्स आप यूज़ कर सकते हैं अपनी एक सिंगल फोटो में, काफ़ी सारे फिल्टर इसमें आपको दिए गए हैं, ठीक है। फिल्टर में भी आपके पास खास बात यह है कि आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं फिल्टर, ठीक है। ये जो आपके पास इसमें ये देखिए स्लाइडर जो आ रहा है, कम ज़्यादा आप अपनी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। आप किस हिसाब का फिल्टर आप चाहते हैं, किस कौन सी लाइट आप चाहते हैं, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना इंस्टेंटली चेंज हो रहा है, बिल्कुल ईजी टू यूज़ ऐप है और इंस्टेंट पे ये वर्क करती है, हैंग वगैरह नहीं करती आपका फ़ोन, तो बहुत ही अच्छी ऐप मानी जाती है। 100 मिलियन लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी ऐप है। तो आप इसको यूज़ जरूर कर रहे हैं अगर आप नहीं कर रहे हैं तो, और अगर आप कर रहे हैं तो आगे आने वाली ऐप और देखें, क्योंकि आपको इसमें इससे भी ज़्यादा एडवांस फीचर उनमें मिलने वाले हैं। इस ऐप की एक खास बात जो मैं आपको बताना रह गया वो है कोलाज। कोलाज में आप लगातार, अगर मैं आपको बताऊँ, कोलाज आपने नीचे से सेलेक्ट किया तो आपके पास ऊपर ऑप्शन आ गए हैं टाइमर और कोलाज सेलेक्ट करने का। तो आपके पास जब कोलाज सेलेक्ट करेंगे तो आप इस इतने टाइप के कोलाज बना सकते हैं, 2 फोटोज़ का ये, 4 फोटोज़, 9 फोटोज़ और मल्टीपल, ठीक है, 16 फोटोज़, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, जैसे भी आप, जैसे सपोज अब मैं ये कोलाज बनाता हूँ तो जैसे ही मैं यहाँ से टैप करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर मेरे पास टाइम आ रहा है, ठीक है। मैनुअल सेलेक्ट करूँगा या फिर किस हिसाब से, तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरे पास 9 फोटो क्लिक हो गई और मेरे पास एक कोलाज बनके तैयार हो गई, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ये फोटो बना सकते हैं, ठीक है। एक नया फीचर जो आया है नए अपडेट में, आप GIF भी बना सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर GIF बन गई है पूरी 9 फोटोज़ के साथ, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ ऐप है, आप इसको जरूर यूज़ कर रहे हैं अगर करें, अगर आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये ऐप आपके फ़ोन में जूम इट और जूम आउट की भी सुविधा आपको देती है। तो इस ऐप से आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं अगर आप फोटोग्राफी लवर हैं तो, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी ऐप यूज़ करते हैं, दूसरी ऐप की तरफ चलते हैं। नंबर 3 पर जो ऐप है उस ऐप का नाम है ओपन कैमरा, ठीक है। ओपन कैमरा को हम ओपन करते हैं, लगभग 5 मिलियन यूज़र इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं, 4.2 रेटिंग है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऐप मानी जाती है ये भी, ठीक है। इसमें आपके पास काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, आप देख रहे होंगे साइड में आपके पास एक्सपोजर सेट करने के लिए आ रहा है, आप इस ऐप से वीडियो भी बना सकते हैं। आपको देख रहे होंगे आपके पास नीचे एंगल के लिए आ रहा है कि आप कितने एंगल पर इस वक्त आपका फ़ोन है, ठीक है। जूम इट जूम आउट आपके पास फीचर है इस फोन में, इस ऐप में, ठीक है। आपके पास एक्स्ट्रा सेटिंग्स आपके फ़ोन की, रेड आई इफेक्ट,
फ्लैश इफेक्ट, काफ़ी सारे इफेक्ट आपको यहाँ से मिल जाते हैं। ISO भी आप सेट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बार बता दूं कि ISO मेरे अगर नॉर्मल कैमरा अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास ISO 1600 तक ही मेरे पास लिमिट है, लेकिन इस ऐप के थ्रू मैं ISO 3200 तक यूज़ कर सकता हूँ। अब ISO क्या चीज़ होती है ये मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में जरूर बताऊंगा, क्योंकि कैमरा को लेकर हम बहुत सारे सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। तो आप यहाँ से ISO भी सेट कर सकते हैं। ISO एक्चुअल में होता है आपका इमेज सेंसर, ऑप्टिकल इमेज सेंसर। इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे डीपली कि आपके कैमरा किस किस फिजिकल मेजरमेंट पर वर्क करता है। तो दोस्तों ये थी आपकी ओपन कैमरा ऐप, बहुत ही अच्छी ऐप है, आप इसको यूज़ करें, इजी टू यूज़ है और काफ़ी अच्छे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर कि आपको कितना बेटर जो रिजल्ट है ये दे रही है आपके ओरिजिनल कैमरे के रिगार्डिंग, ठीक है। आइए अब इसके बाद दूसरी ऐप यूज़ करते हैं और नंबर 4 पर चलते हैं। नंबर 4 जो ऐप है ये भी बहुत ही वाइडली यूज़ की जाती है, इसका प्रोनाउंसिएशन कई लोग कन्फ्यूज रहते हैं, इसको कैमरा भी बोलते हैं और सिमेरा भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको जो भी बोलें लेकिन ये ऐप बहुत ही अच्छी है। 4th नंबर पर इसलिए है क्योंकि इसके फीचर्स, अब जो मैं आपको ऐप बताता जा रहा हूँ फीचर्स डेवलप ही होते जा रहे हैं, ठीक है। अब आप सिमेरा की ऐप देखिए, ठीक है, लगभग 100 मिलियन इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं लोग, 4.4 रेटिंग है इस ऐप की, बहुत ही अच्छी ऐप है। इस ऐप के फीचर्स क्या क्या हैं, आप जब इस ऐप से कोई भी फोटो क्लिक करते हैं तो आप उसमें काफ़ी कुछ मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं। सपोज आपने ये फोटो क्लिक की, ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके पास देखिए ऊपर ऑप्शन आ गए, क्रॉप करना है तो एडिट, ठीक है, एडिट में आपके पास इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, मिरर ऑप्शन, इंस्टाफिट ऑप्शन, ठीक है, रोटेट, क्रॉप और स्ट्रेटन, ठीक है। तो आप यहां से कोलाज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप मल्टीपल फोटो सिलेक्ट करके कोलाज भी बना सकते हैं हाथ किया। करेक्ट में जाएंगे तो आपके पास सीन मोड, ऑटो लेवल, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और सेचुरेशन शार्पन, ठीक है। आपकी फोटो अगर आपको शार्प करनी है, ठीक है, आप देख रहे होंगे इफेक्ट, आपकी फोटो की क्लियरिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल इफेक्ट है ये। जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये इफेक्ट काम करता है। सेचुरेशन आपके फोटो के कलर में डिफरेंस कर देगा, लो करेंगे तो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट पर ले आएगा, हाई करेंगे तो कलर में और ज़्यादा कलर इंक्रीज करेगा। कंट्रास्ट और ब्राइटनेस आप जानते ही, ठीक है, इफेक्ट में आपके पास और भी ज़्यादा आपके पास वेरिएशन यहाँ पर मिल जाते हैं। बॉर्डर आप लगा सकते हैं फोटो में, ब्लर कर सकते हैं, लाइट एक्स्ट्रा कर सकते हैं, फिल्टर और ज़्यादा लगा सकते हैं, जैसे अभी रेट्रिका में मैंने आपको बताया था, और भी ज़्यादा फिल्टर आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। ड्यूटी में अगर आप जाएं तो अगर आप किसी पर्सन की, अगर आप एक लेडी हैं या फिर फीमेल हैं, तो आपको यहाँ पर बॉडी शेप के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे यहाँ पर आपको मिलता है आपकी ब्यूटी को इंक्रीज़ करने के लिए। तो सिर्फ फीमेल के लिए नहीं, ये सबके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी फ़ोटो किस टाइप की है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास अगर आपको अपनी आइज़ बड़ी करनी है, बिग आइज़ करनी है, फन फोटोज़ बनानी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं बिग आइज़ से। अगर आपने किसी फोटो में स्माइल नहीं की हुई है तो स्माइल फीचर आपकी फ़ोटो को स्माइल करने में हेल्प करता है। स्लिम आपको स्लिम करने में, लिक्विफाई आपकी फ़ोटो में इफेक्ट डालेगा इस तरह से लिक्विफाई करने में, इससे आप फोटो को, आप कोई पर्सन मोटा हो तो आप उसको पतला कर सकते हैं, पतला हो तो उसको मोटा कर सकते हैं। कंसीलर भी एक तरह का अच्छा इफेक्ट है, यहाँ से आपको जो कलर है वो कंसील कर लेता है, मतलब एक्स्ट्रा कलर यहाँ से कंसील कर लेता है। इस तरह के काफ़ी सारे यहाँ पर आपको रेड आई, मेकअप, हेयर सॉफ्टनिंग, काफ़ी सारे इफेक्ट हैं। डेकोरेट में आपको स्टिकर वगैरह मिल जाते हैं, टेक्स्ट वगैरह आप लिख सकते हैं ऊपर से, ब्रश यूज़ कर सकते हैं, फेस पॉप वगैरह सब यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिला के बहुत ही एडवांस फीचर हैं इस ऐप के, आप इसको जरूर यूज़ करें। अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं किया और आपको फोटो एडिटिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक है तो आप इस ऐप से काफ़ी कुछ एडिट कर सकते हैं अपनी फोटोज़ में, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम इसके बाद अपने नेक्स्ट ऐप पर। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे नंबर 5th की ऐप की, जिसका नाम है कैमरा जूम एफएक्स, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लगभग इसको 5 मिलियन लोग यूज़ कर रहे हैं, 4.0 रेटिंग है। इसको हमने 5th नंबर पे इसलिए रखा है कि आप इसका इमेज रिजल्ट देखिए, इमेज रिजल्ट आपको और ऐप से बेहतरीन नजर आ रहा होगा। इसकी प्रीडिफाइंड सेटिंग कुछ इस तरीके की है कि आपको एक बेटर इमेज रिजल्ट आपको प्रोवाइड करती है। बहुत सारे फीचर्स इसके लॉक्ड हैं, आपको परचेस करने पड़ते हैं, बट जितने भी फीचर्स इसमें फ्री हैं वो भी काफ़ी एक आपके नॉर्मल ऐप से बेटर हो सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे सपोज इस ऐप को क्लिक करते हैं तो आप देखें कि आप एक बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। नॉर्मल वही फीचर्स हैं इसके, एफएक्स मोड आपको यहाँ से मिल जाता है, मोड में आपको कोलाज आपको मिल रहा है, इनकॉग्निटो मोड आपको मिल रहा है, सभी तरह के आपको यहाँ पर इफेक्ट मिल रहे हैं जो नॉर्मल है। तो इस तरह का इसमें कोई खास फीचर नहीं है, फ्री में इस ऐप को आपको खरीदना पड़ेगा। इसके जो कुछ फीचर्स हैं और भी एक्स्ट्रा जो फीचर्स हैं उनको, लेकिन 5th नंबर पे इसको इसलिए रखा गया क्योंकि एक आपको बेटर इमेज रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, नाम है इसका कैमरा जूम एफएक्स, ठीक है। इसके बाद जो हम अगले ऐप यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है कैमरा 360, नंबर 6, ठीक है। कैमरा 360 बहुत ही अच्छी ऐप मानी जाती है, लगभग इसको भी 100 मिलियन लोग यूज़ कर रहे हैं। 100 मिलियन एक बहुत ही बड़ा नंबर है, जो कि इतना ईजी नहीं है कोई भी ऐप को फेमस होने के लिए। अब इसको 100 मिलियन लोग यूज़ कर रहे हैं और 4.3 रेटिंग से साथ ही ऐप है, तो दैट मीन कि इस
ऐप में कुछ ना कुछ तो है। अब आप सुपर कैम पर आप क्लिक करेंगे, सेल्फी कैम और वीडियो तीन तरह के मोड है इसमें। सुपर कैम पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखें कि किस तरह का रिजल्ट आपको दे रही है। तो रिजल्ट इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन इसके जो फीचर्स हैं लोगों को काफी ज्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि इसमें जो स्टिकर्स हैं वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। तो दोस्तों नंबर सिक्स पर है हमारी कैमरा 360 ऐप, ठीक है, जिसकी हम बात करने वाले हैं अब, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि इस तरह का इसका इंटरफेस है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ये ऐप इतनी फेमस है कि इसको भी लगभग 100 मिलियन लोग यूज़ कर रहे हैं। 4.3 लगभग इसकी रेटिंग्स चल रही है इस वक्त। और इस ऐप में आपको तीन तरह के आपको यहाँ पर मोड मिलेंगे, सुपर कैम, सेल्फी कैम और वीडियो, ठीक है। सुपर कैम में आप जाएं, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह का रिजल्ट आपको आउटपुट में मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नीचे, ये ऐप इसलिए इतनी ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसमें आपको स्टिकर्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आप नीचे देख रहे होंगे, ये आपके सीधे आपने अगर ऐप यूज़ की हो थी स्नैपचैट के नाम से, ठीक है, तो स्नैपचैट में आपको एक स्टिकर मिल जाते थे जो आपके फेस पर असाइन हो जाते थे। तो उसी तरीके के स्टिकर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और यहाँ पर आपके पास अलग अलग फिल्टर मिल जाते हैं, यहाँ पर आप इनको फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं। स्टिकर्स की वजह से यह ऐप इतनी फेमस हो चुकी है कि काफ़ी ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। और फिल्टर भी इसमें कुछ अलग ही टाइप के आप देख रहे होंगे, यहाँ पर अच्छे, काफ़ी सारे अच्छे फिल्टर्स हैं। तो रिजल्ट आउटपुट इस ऐप का काफ़ी अच्छा है, इस ऐप की जो प्री डिफाइंड सेटिंग्स है काफ़ी अच्छी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लास्ट और जो लास्ट ऐप है जिसकी हम बात करने वाले हैं, जो बहुत ही खास ऐप है, उस ऐप का नाम है कैमरा MX। दोस्तों इस ऐप के बारे में मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। आप इसको जरूर यूज़ कर रहे हैं अगर आप एक फोटोग्राफर लवर हैं तो, ठीक है। अब आप देखें कि किस तरीके से ऐप ये कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। आप कैमरा पे क्लिक करेंगे, ठीक है, लैंडस्केप मोड में ये लैंडस्केप मोड में ये ऐप ओपन हो जाएगी। अब आप देखें इसका रिजल्ट आउटपुट, देखें आप इसका, ठीक है। आप अभी तक कितनी सारी ऐप यूज़ कर रहे थे, लेकिन आप इसका रिजल्ट आउटपुट देखें, जैसे आप फोकस करते हैं कितना क्लियर विजन आपको प्रोवाइड की जा रहा है, कर रही है। वीडियो अगर आप बनाते हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ से आपके पास तीन मोड यहाँ पे 1080, ठीक है, आपको यहाँ से सभी तरीके के मोड यहाँ से मिल जाएंगे, 720, 480, 1080। ओके, FX की बात करें तो FX आपको यहाँ पे काफ़ी सारे मिल जाएंगे, आपके पास काफ़ी सारे इफेक्ट यहाँ पर है। अब इफेक्ट इसमें इतने अच्छे हैं जो एकदम यूनिक आपको मिलेंगे। सपोज अगर आप इसमें यूज़ करते हैं तो आपके पास तीन नॉर्मल इफेक्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे, HDR और ऑटो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर यूज़ करें तो आपके यहाँ पास पांच इफेक्ट मिलेंगे, वेलविश, सॉम्बर, ठीक है, ये इफेक्ट के नाम हैं जो इसके इफेक्ट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। इस तरह के इफेक्ट देखें जो आपने बहुत कम रेयरली देखा होगा, आपकी जो इमेज है उसको एक आर्टिस्टिक वे में ये शो कर रहा है आपकी वॉच को, ठीक है। ये भी काफ़ी एक यूनिक फीचर है, ये देखें मिरर इमेज आपके, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे इफेक्ट आपको मिल जाते हैं जो आपके डिजिटल कैमरा के साथ खेल सकती है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये ऐप कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो अनलॉक करने पड़ेंगे, बट जितने भी हैं वो बेस्ट हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आप ये देखें, ये देखिए, तो आप इन ऐप को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये थी टॉप 7 ऐप्स जिनका आप यूज़ कर सकते हैं अपने कैमरा को, अपने फ़ोन के कैमरा को एक एवरेज लेवल से एक एडवांस लेवल तक पहुँचाने में। आपको ये 7 ऐप्स जरूर हेल्प करेंगी। कैसी लगी है आपको हमको जरूर कमेंट करें, और आपको सबसे बेस्ट ऐप कौन सी लगी ये भी आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो, तो आप हमारे वीडियो लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।